न दिन है न रात है, न तन्हा है न साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। मतलब इसको ये कह लें कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, आप मैं देखता हूँ अक्सर बच्चों से मिलने के बाद एनडीए एस्पिरेंट और सीडीएस एस्पिरेंट की एक बात मैं देखता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम पास आता है उसके चेहरे पे नर्वसनेस, उसके चेहरे पे रेडनेस आ जाती है। मतलब वो हाई एन्जाइटी की वजह से ऐसा होता है कि इतनी तैयारी करने के बाद भी उसको लगता है कि क्या मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा। यही इस एग्ज़ाम की खास बात है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपने चुना है अपने आप को, तो पहले मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आपने एक बड़े एग्ज़ाम को चुना और आपका ड्रीम, आपका सपना बड़ा है। और जब आप बड़े सपने देखते हैं तो एक दिन ज़रूर पूरे होते हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बिहाफ पे मैं सभी को बेस्ट विशेस कन्वे करता हूँ। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, सभी यूट्यूब के स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं, वन शॉट रिविजन क्लासेस हैं, उनको देखा। और रिटन एग्ज़ाम आप कर ही लेंगे। मेरी एक ही टिप है कि बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में आपको जाना है एंड ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं रखना है, फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्शन लेके नहीं जाना है, इन्जॉय करने के लिए जाना है। और इस बार हम अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और रिटन एग्ज़ाम में नया दबदबा कायम करेंगे, जैसे हम जाने जाते हैं अपने सिलेक्शंस के लिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी दुआएं, पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फाइनली वो दिन जब आप एनडीए एग्जाम को और सीरियस एग्जाम को लिखने जा रहे हैं और अपने सपनों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप सबने बहुत मेहनत करी है और मुझे उम्मीद है कि आप उसी मेहनत के बल पर अपने आने वाले एनडीए एग्जाम वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। बस अभी करना क्या है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं पिछले एक साल से, छः महीने से, या जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो कीप ट्रस्ट एंड फेथ इन योर एफर्ट्स, ऑल्सो कीप ट्रस्ट एंड फेथ इन द गॉड, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत सुंदर चीज प्लान करी है आगे आने वाले फ्यूचर में। बस इतना ही कहूंगी कि आने वाले 2024 एनडीए एग्जाम एंड सीरियस एग्जाम में जाने से पहले अपने भगवान का, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वह हमेशा चाहेंगे कि आप विजयी भव होकर ही लौटें अपने रिस्पेक्टिव जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं। प्लस वी एज टीचर्स, वी एज मेंटर्स, टीम सेंचुरियन, हम हमेशा से ही हमारे ब्लेसिंग्स हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं। तो ऑल, नॉट ओनली just proud centurions but to all the students out there jo bhi ND and CDS exam mein baithne ja rahe hain, sabhi ko meri taraf se dher sari shubhkamnaen, all the very best. Bas itna hi kahungi ki har maidan fateh karke aapne aana hai, jiske baad mein hum aapko welcome karne ke liye baithe hue in the SSB batch of Century Defense Academy aur aapko train karenge apne sapno ko sakar karne ke liye aur aapke kandhon par wo behtareen sundar sitare dekhne ke liye. With this aspirants, all the very best for your upcoming examination. Thank you so much. Namaskar and Jai Hind. Jai Hind, everybody. I, Major General Shami Sabarwal, welcome you to Centurion Defense Academy. To all my NDA and CDS aspirants, I'm aware that you have your written examination on 1st September, which is just round the corner. On behalf of Centurion Defense Academy, I wish you all the very best for your examination. मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आपको उसी अनुपात से आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा. Just two things I would like to tell you at this stage when you are very close to your exam. जो कुछ आपने अभी तक पिछले 4-6 महीने में किया है, my suggestion to you is उसको consolidate करो, try and revise that. अब कोई नई चीज खोलने की मत कोशिश करो, because anything fresh you will not have that much knowledge कि आप उसको जाके एग्जाम में कर सको. As such, please understand the paper is so lengthy कि it is not possible to complete the whole paper. अगर आप 80% paper भी ठीक तरीके से करते हो, you will be able to pass. The second thing which you have to keep in mind is rather than trying to hurry up and finish 100% paper, it is better to do 80% but do it correctly. Pura ka pura aap usko soch vichar karke, aapne especially maths ke paper mein aapne jab answer dena hai to wohi answer dena hai jo aap 100% sure ho, kyunki koi fayda nahi questions to aapne zyada kar liye
लेकिन इतने ज्यादा गलत हो गए कि नेगेटिव मार्किंग करके यू हैव लॉस्ट मच मोर. इट इज बेटर टू डू 10 क्वेश्चंस लेस, बट वॉट एवर यू डू शुड बी करेक्ट. सो विद दैट, ऑल द बेस्ट. आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल एबल टू डू अस प्राउड. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल योर हार्ड वर्क फॉर एनडीए एंड द सीडीएस एग्जामिनेशन दैट यू हैव डन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 to 5 months विल बेयर फ्रूट नाउ व्हेन यू गिव एग्जाम for the NDA and the CDS on the 1st of September. I wish you all the very best and I hope you all do well and I would like to see you all after the result for the SSB preparation. It will be a pleasure for me to meet you all and help you in preparation for your SSB. All the very best to you. Hello dear children. Now the time for which you have been waiting throughout the year has come, and on 1st September you go to your examinations for NDA as well as CDS. So now the time has come to clear this examination so that you can come to us for the future preparation of the SSB. I wish you luck on behalf of myself and also St. John's Defence Academy for your exams. All the best to you. Take care. Bye-bye. मेरा अपना जो NDA और CDS का स्टूडेंट्स है उनके लिए ये कहना है कि बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया पिछले कई महीनों से, तो आपका यह मेहनत जरूर रंग लाएगा. तो आप लोग कॉन्फिडेंटली जाके एग्ज़ाम दो एंड सक्सेस विल बी योर्स. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू गुड लक. थैंक यू. जय हिंद सेंचुरियंस. So the D-Day is tomorrow. I'm sure most of you would be excited and some of you might be nervous. So my advice to you is that you should stay calm and manage your time wisely during the exam. You should focus more on accuracy over speed. Read each question carefully and trust your preparation. Do not dwell too long on any question, and in case you are not sure, move on and come back to the question if the time permits. Remember, you have done a lot of hard work under the able guidance of the mentors and faculty of the St. John Defence Academy. So have trust in your complete preparation and give your best. So my best wishes to you. God bless. Jai Hind. जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आदित्य दुबे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अथक प्रयास के बाद अब बारी है सफलता के प्रदर्शन की. सो स्टूडेंट्स, मोटिवेटेड रहिए और बहुत ज़्यादा हैफजनेस मन में मत लाइए, एप्रीहेंशन बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि अब आपको एक काम अप्रोच की ज़रूरत है. क्योंकि जिस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उस समय आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, आप स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छी एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरह से रीड करेंगे. डायरेक्शंस को ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्शंस में चेंज होता है. स्पेशली मैं अगर इंग्लिश सेक्शन में एंटोनिम्स की बात करूं, आपने नोटिस किया होगा कि एंटोनिम्स के क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी हैबिट है वर्ड मीनिंग लर्न करने की, तो जनरली एंटोनिम्स के क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं. हम सभी टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया है आपकी रेडीनेस को उस लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस है हमारी ट्रेनिंग स्किल्स का, उसको हमने बेस्ट लेवल पे आपको इम्पार्ट किया है. जो आपको टफेस्ट सेगमेंट मिलता है इंग्लिश सेगमेंट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपको टफेस्ट सेगमेंट मिलता है वोकैबुलरी, उसमें आपको प्रॉपर तरह से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वगैरह सारी बताई गई हैं. तो मुझे विश्वास है कि आप उन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का बेहतर इस्तेमाल करेंगे और आप अपने पेपर में अच्छा करेंगे. साथ ही स्पॉटिंग एरर सेगमेंट में भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स दिए गए हैं. पूरी टीम ने बेस्ट एफर्ट किया है और रीडिंग स्किल्स पूरा पूरा आपके IQ लेवल, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड है. पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड सेंटेंसेस, ये सब आपके स्कोर को बूस्ट करने वाले हैं. अगर आपका मन बहुत ही संतुलित लेवल पे है और आप सोच रहे हैं केवल अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देने की, तो इस समय माइंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. जितना आपका माइंड कूल और काम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा. सो मेरी यही आप सभी को रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि बारी है एग्जामिनेशन में सफलता के प्रदर्शन की. तो अपना स्ट्रेस किनारे रखिए और उन मोमेंट्स को याद करिए जिन मोमेंट्स ने आपको हमेशा एनकरेज किया है आपको बेहतर
दिशा में आपको हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, कुछ एक दो पेपर ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा जिनमें आपने बहुत अच्छे से क्लासेस में डिस्कशन किया है। इससे आपका मोराल बूस्ट होगा और आप पेपर में वास्तव में अच्छा करेंगे। दिल से सभी को शुभकामनाएं, बेहतर एफर्ट्स के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। एक बार फिर से टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं रिजवान खान और हमारी पूरी टीम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी के जो 1 सितंबर के एग्जाम लगे हुए हैं एनडीए सीडीएस के, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से आपने मेहनत किया है और खूब जोर लगा के मेहनत किया है। और रिटेन में आपने जो साइंस के सेगमेंट की अगर हम बात करें, साइंस के सेगमेंट में आपका जैसे फिजिक्स का है उसके जो है क्वेश्चन को आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने उसके देख ही लिया होगा, और जो फार्मूले हैं फार्मूले देखने की बारी है, फार्मूले आप देख लें। और केमिस्ट्री के जैसे फार्मूले हैं उनको देख लें, केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बायो में जो वन लाइनर हैं उनको देख लें। ओवरऑल अगर देखें साइंस में आपका जो आपने जितनी प्रैक्टिस किया होगा वो अच्छा आपको दिखेगा, बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगा, तो उसके टेंशन लेना नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए और बिल्कुल डिफेंस के सेगमेंट में आप जा रहे हो तो देश की सेवा करने जा रहे हो, तो उम्मीद यही करेंगे कि रिटर्न आपका बहुत बेहतर होगा। और जैसे कि सेंचुरियन हमेशा माउंटेन ऑफ सिलेक्शन के नाम पर जाना जाता है, तो डेफिनेटली आप करके दिखाते हो। आप सभी से यही उम्मीद हमारी होती है कि जो हमारी टैग है AIR1 वो आप ला के दिखाओगे और डेफिनेटली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वो करके दिखाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिटर्न आपने बहुत अच्छा किया, रिटर्न आपने बहुत अच्छा किया, तो डायरेक्टर सर हमारे सीसी सर हमारा आप सभी का वेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल असली मज़ा अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली रिटर्न के बाद SSB के क्लास में आके बैठ के देखो, तो असली जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं, हमारी पूरी टीम उम्मीद कर रही है, आप सभी डेफिनेटली आप सभी सेलेक्ट होंगे और देश की सेवा में आप सभी जा रहे हो। तो डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट की बात करो, चाहे GT की बात करो, चाहे मैथमेटिक्स की बात करो, ओवरऑल सारे लोग अच्छे करके आओगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए और बिल्कुल अच्छे नंबर से लाइए। तो पूरी टीम हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आप सभी को ढेर सारी बेस्ट विशेस देती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। हेलो डिफेंस फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के अपकमिंग एग्जाम 1 सितंबर को जो पेपर है उसके लिए टीम सेंचुरियन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने पेपर में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। और मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के यदि मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को सबसे पहले OMR को सही ढंग से फिलअप करना है। आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक उन चीज़ों को आप फिलअप करेंगे, उसमें बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर को आप जैसे ही आपके हाथ में आए क्वेश्चन पेपर को आप तुरंत जल्दबाजी के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, 4 सेगमेंट में क्वेश्चन पेपर को करेंगे। सबसे पहले जिनकी लेंथ सबसे कम है उनको सबसे पहले आप हिट करेंगे, उनको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है या जिन पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको आप सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद अमूमन जिस पे आप फार्मूला बेस्ड या जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है उसको आप करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेशन जो करेंगे उस क्वेश्चन को आप टारगेट करेंगे जिनके जिनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी या जो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। OMR का फिलअप आप जब भी करेंगे तो एक साथ आप 25-50 क्वेश्चन का फिलअप नहीं करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का सेगमेंट बना लेंगे, ताकि कहीं पर भी अगर आपसे नंबरिंग में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलतियां ना हो सकें। तो आप 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन का आप सेगमेंट बना लेंगे और उसमें आप फिलअप करेंगे। लास्ट मोमेंट पे यदि आप फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो जो वार्निंग वेल होगा जैसे ही वो बच जाएगा आप तुरंत थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे और आप गलतियां कर बैठेंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ों को बहुत सावधानीपूर्वक करेंगे और OMR का फिलअप आप बहुत अच्छे तरीके से करें। मैं अपनी और अपने टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी बच्चों के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठोकर नहीं लगेगी तो पता कैसे चलेगा कि पत्थर के हो या फिर शीशे के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन बाजपेयी और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अगले कुछ ही पलों में होने वाला है, तो उन पलों का आपने बेसब्री से किया होगा इंतजार और इंतजार की बारी हो चुकी है अब समाप्त। तैयारी आप सबकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जरूर रही होगी और मैं जानता हूं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आपने आकर जो स्टडी गेन की है, जो आपने मटेरियल गेन किया है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, वो नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है ठीक 1 तारीख को जब है आपका NDA और CDS का एग्जाम।
ये दोनों ही एग्जाम हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन दोनों एग्जाम में जो आप करने वाले हैं हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, और उन उम्मीदों को ना आप हमें तोड़ने देंगे और ना आप खुद तोड़ेंगे, क्योंकि आपका भरोसा हम थे और हमारा भरोसा आप है मेरे दोस्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरी और मेरे पूरी सेंचुरियन डिफेंस टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपका एग्ज़ाम इतना ज़बरदस्त हो कि आपकी जो कहते हैं कि ना कि आपकी जो सफलता है उसका परचम पूरा देश देखे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। दोस्त मिलते हैं आपको हम लोग SSV की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद जय भारत। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 1 सितंबर को है और आपकी जहाँ तक प्रिपरेशन है बच्चों वो तो कंप्लीट हो ही गई होगी, लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा लगा रहता है कि नहीं हम लोगों को थोड़ा सा जो है ये कुछ टॉपिक देखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे होते हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ज़्यादा पैनिक लेने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस अब इसी बच्चों कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है और इसी बच्चों प्रिपरेशन पर आप एग्ज़ाम दीजिए और जो है बिल्कुल एकदम कूल होकर जाइए। हमारे सेंचुरियन और हमारी टीम की तरफ से बच्चों सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। दिस वीडियो इज टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग NDA 2024 एग्जामिनेशन। बस एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये कि आप लोगों ने शायद हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हैरी पॉटर ने अपनी टीम को कही थी, वो ये थी कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योरसेल्फ रादर देन वर्किंग हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये अभी ऐसा टाइम है कि आपने पूरा हार्डवर्क कर लिया है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्डवर्क एंड यू विल डू गुड, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी नेग्लेक्टेड चीज़ है येट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड वील सी यू अगेन इन द SSB बैच। थैंक यू, जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने बहुत प्रिपरेशन कर ली है, बहुत तैयारी कर ली है, अब आप लोग केवल अपने ऊपर फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखो, अपना मोरल कभी लूज मत होने दो, बस अब आपको केवल और केवल NDA ब्रेक करना है, क्रैक करना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा एक शेर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू एंड डू योर बेस्ट। हेलो बच्चों, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? अब बच्चों लास्ट मोमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, काम रहना है और एडमिट कार्ड को सही तरीके से रख लीजिए, एग्जाम सेंटर में टाइम के पहले पहुंच जाना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम सब ने बहुत मेहनत की है यार, सिलेक्शन होना ही होना है, रिटन एग्जाम भयंकर से क्वालिफाई होगा। मैं विवेक मिश्रा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम्स के साथ, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं। जय हिंद स्टूडेंट। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। एज यू ऑल नो, 1 सितंबर 2024 इज कमिंग। NDA एंड CDS 2024 एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 1st ऑफ सितंबर। सो वी हियर एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हम लोगों ने साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आप लोगों ने मेहनत करी है, सो टुमारो इज द डे वेन वी आर गोइंग टू प्रूव इट राइट कि हमने हाँ सच में पिछले 2-3 महीनों में मेहनत करी है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, वी विश ऑल ऑफ यू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन एंड जॉइन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी फॉर SSB गाइडेंस प्रोग्राम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री दीक्षित सर। सो वी वुड लाइक टू सी यू हेयर एट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी एज अ SSB एस्पिरेंट। So again, I would like to wish you again all the very best for tomorrow's exam. Do well, be confident and back yourself for the exam. Thank you. जय हिंद प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, lot of wishes, not from my side, but from Team Centurion. और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आई होप कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी और हम सभी टीचर्स ने आपके लिए बहुत वर्क किया है। तो मेरी बहुत उम्मीद है आप सभी से कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छे से पेपर देना है आपको, ठीक है। और ज़िंदगी में बहुत सारे जंग होते हैं, उसको जीतना ही हमारा मतलब उद्देश्य होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी डीमोटिवेट लाइफ में नहीं होना है बेटा, बहुत अच्छा करके आओगे, मेरी पूरी उम्मीद है, हम सारे टीचर्स की उम्मीद है। यू ऑल विल क्रैक दिस एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स और ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन देता हूँ आप सभी को। थैंक यू, जय हिंद। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग को पता है 1 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है,
तो डियर एनडीए एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स, आप सभी को हम लोगों की तरफ से टीम सेंचुरियन की साइड से कुछ सजेशंस हैं। जैसे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार में लगे कि जो है ऑप्शन ए या बी होगा, उसी पे टिक करना है। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। अगर आप सोचोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप सभी को टीम सेंचुरियन और हमारी साइड से बेस्ट ऑफ लक एंड डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। हेलो एनडीए एंड सीजीएस एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपने उसके लिए अच्छी से तैयारी कर ली होगी। मैं माईसेल्फ राजेश सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी की तरफ से आपको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाएं और अपने एम को प्राप्त करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। हेलो बच्चों, जैसा कि कल आपका एनडीए सीडीएस का पेपर है और आप लोगों ने इसकी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर देना है। मैं और टीम सेंचुरियन की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का कल एग्ज़ाम है एनडीए और सीडीएस का, और एनडीए सीडीएस के सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कि वो अपना एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे और सभी लोग एक्सेल करेंगे अपने इस रिटन एग्जामिनेशन में और एसएसबी के लिए क्वालिफाई करेंगे। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से इस एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और छोटा सा टिप्स ये है कि क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है जिसके लिए आप श्योर नहीं हैं। और जब आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं तो उसको बहुत केयरफुली आप फिल कीजिए। कोई भी सिली मिस्टेक फिलिंग के दौरान नहीं होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट्स, सबसे पहले आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से गुड लक। ओके, आपको पेपर को लेके कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो किसी क्वेश्चन को पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मीनिंग उस क्वेश्चन पे इतना ही टाइम देना है जितना जरूरी है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्किप कर दें उस क्वेश्चन को, और सबसे पहले वो क्वेश्चन लें जो आपको अच्छे से आते हैं, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जीएटी के पेपर के लिए, आप जीएटी के पेपर में कई सेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले उस सेक्शन को आप उस सेक्शन के क्वेश्चन लेंगे जो सेक्शंस आपके स्ट्रांग है। मीनिंग किसी भी सेक्शन को सीक्वेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है सबसे पहले उस सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और कोई क्या किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अपना तुक्का मत फिट करिए। अगर आप श्योर हैं तभी उसको टिक करिए ओएमआर में, अदरवाइज लीव इट। ओके, तो अगेन गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रॉम होल टीम ऑफ सेंचुरियन। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस, एनडीए आल्सो एंड सीडीएस आल्सो। कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है पेपर अपियर होते वक्त। जैसे कि सबसे पहले यदि आप एनडीए के मैथ्स में अपियर हो रहे हो तो ध्यान रखना है उन सेक्शन से स्टार्ट करें जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ और उसकी वजह से पैनिक हो जाए। और पैनिक होने की वजह से क्या होता है ना कि आपको जो क्वेश्चन आ भी रहा होता है आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, खास करके जीएटी में, जीएटी में जो सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है या केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ है या जिस भी सब्जेक्ट में है उससे शुरू करिए। ठीक है, करंट अफेयर्स ये सब आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा तो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओएमआर को फिल करते वक्त बहुत ही सावधान रहना है, कहीं पर भी कटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है और ना ही वाइटनर को यूज करना है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, कल हमारा एग्जामिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मेरे साइड से कि पहले आपको एग्जामिनेशन हाल में टाइम का ध्यान देना है, आपको टाइम पे पहुँचने हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि हमें जो पेपर बनाने हैं क्लियर 2-3 राउंड में बनाने हैं एटलीस्ट। पहले राउंड में हमें वो पेपर सॉल्व करने हैं जो कि क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में बन जाए बिना पेन टच किए हुए। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन बनाने जो हमें थोड़ा सा एफर्ट मांग रहे हो, और तीसरे राउंड में हमें वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो ज़्यादा एफर्ट मांग रहे हो। दूसरी चीज़ हमने बताया आपको, पहले आपको ओएमआर शीट मिलती है तो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने हैं, तो उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से हमें केयरफुली पढ़ने हैं और उसको फिलअप करने हैं। कभी कभी हम जल्दी में रोल नंबर पे गलती कर लेते हैं, तो एक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारी मेहनत एक साल की पूरी बेकार हो जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको प्रेशर नहीं फील करने हैं, कम्फर्ट जितना आपने पढ़ा है वो आपके लिए सफिशियंट है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं अपने माइंड पर लगाने कि हमने नहीं पढ़ा ये पॉइंट हमारा छूट गया। जितना आपको पॉइंट है उतने पर ही क्वेश्चन बनाने हैं क्लियर।
और इस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। एक और मैंने पॉइंट का बात किया, आपको नेगेटिव्स कम लेने हैं, आपको ज़्यादा नेगेटिव से बचने हैं, आप ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव ना करो। कभी कभी होता है कि आप नेगेटिव ज़्यादा ले लेते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं अच्छे करके आते हो फिर भी नेगेटिव से ज़्यादा कम हो जाते हैं करने से, तो इस पर आपको केयरफुली ध्यान देने हैं। ये हमारे लिए आपके साइड आपके लिए पॉइंट्स थे, क्लियर। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत पहले आधे घंटे एटलीस्ट पहले पहुँच जानी है ताकि आप रिलैक्स फील करो। कल के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस 2024 सेकंड एग्जामिनेशन फ्रॉम टीम सेंचुरियन। एंड मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि बढ़िया से पेपर करके आना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ ही नहीं क्लियर करना है, आपको रैंक वन लानी है। थैंक यू वेरी मच। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई एम राजेश खन्ना, सेंटर हेड फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। माई बेस्ट विशेस टू ऑल NDA and CDS aspirants. This is the time where you'll have to perform. Lot of expectations are there. You have prepared well. Now, without any stress, and you'll have to very calm during your examination. This is the time where everyone is waiting for your performance, especially from your parent side as well as from your mentor side. भूलिएगा नहीं, जैसे ही आपका written clear होता है, शिशिर सर की classes SSB की आपका wait कर रही हैं. So once again, good luck to all. Best wishes from Centurion Defence Academy. Thank you. जय हिंद एस्पिरेंट्स, जैसा कि 1 सितंबर को आपका NDA एंड CDS का एग्जाम है, मैं और मेरी टीम सेंचुरियन की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज स्वप्निल वाजपेयी, एकेडमिक काउंसलर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, वेलकमिंग यू विद वार्म हार्ट। Tomorrow, the most important day has been come and you are going to give your NDA and CDS written examination. So first of all, Team Centurion wishing you all the best for your tomorrow exam. Just crack it and rock it and Joe should be higher and higher. Okay, the next important part of your defense journey is SSB interview. So after clearing of written examination, Team Centurion eagerly waiting for you to join our SSB interview training batch so that you can change your dreams into reality and be a part of our mountain of selections. And second important thing is that those who are willing to prepare for NDA 1 2025, so the Team Centurion are launching 2nd September new fresh batches for written plus SSB for MNS, FCAT, NDA and CDS. So those who are willing to prepare for NDA 1 2025 are most welcome. Join us, start your journey with us. You will get written examination training plus SSB interview training plus free study material plus personality development sessions plus English spoken classes plus India's largest GTO ground with 165 plus obstacles. So wait kis baat ka hai? अभी कॉल करिए हमें, हमसे मिलिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए एंड जॉइन अस फॉर योर रिटन प्लस एसएसबी बैच एंड लेट योर ड्रीम्स कम इनटू रियलिटी। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद, आई एम छवि श्रीवास्तव फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आई एम हेयर टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ NDA एंड CDS। तो बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर हो तो 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपको पैनिक नहीं होना है। सेकेंड, आपको बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। आपने जो भी 1 साल से मेहनत करी है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ। थर्ड पॉइंट, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। फोर्थ, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या होता है? आपका टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, आपको सिलेक्शन और स्किपिंग प्रोसेस ज़रूर आना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। प्लीज कॉल ऑन 9799777776 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।